अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज है 5.13। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टर मेथड। तो चलें फिर आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार इसी तरह से उतार लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 और y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर इसी तरह से रहा, माइनस 9y है तो इसे कर दें माइनस का 4y और माइनस का 5y। तो जब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 और 5 हो जाएंगे 9 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है, और प्लस का 20। इसी तरह से यहाँ पर भी वाई स्क्वायर यहीं रहने देंगे, 8y है तो हम इसे फैक्टराइज कर देंगे 5 और 3। अब देखें जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं उसे उन नंबर से फैक्टराइज करें कि जो लास्ट वाला नंबर हो, यानी कि जो थर्ड डिजिट होता है हमारा इसमें, वो उससे डिवाइड हो सके। अब यहाँ पर देखिए 20 है तो हमने इन दोनों नंबर से इसलिए किया 4 और 5 से कि 24 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। अब यहाँ पर 8y है तो 8y में भी हम ऐसा नंबर लेंगे जो कि 15 को डिवाइड कर सकें। अब यानी 15 को एक 3 कर सकता है और एक 5 कर सकता है, तो हम यहाँ पर माइनस का 5y और माइनस का 3y लेंगे, ठीक है। अब एक तो 5 कर सकता है, एक 3 कर सकता है, तो 5 और 3 दोनों को जब जमा करेंगे तो 8 होंगे, बट हमें ये भी देखना है कि 8 के साथ साइन कौन सी है, तो माइनस है, तो डैट मीन्स हमें दोनों के साथ माइनस लगाना है ताकि माइनस आए इसके साथ, ठीक है, और फिर प्लस का 15 इसी तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी 7y है तो 7y के आगे है 12, तो 12 कौन से टेबल में आता है, 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, तो यहाँ पर 7y है तो 7y को किस तरह से खोलें। तो अगर हम 4 और 3 को लें तो 4 और 3 को जमा करेंगे तो 7 आ सकता है, तो यहाँ पर माइनस का 3y माइनस का 4y हो गया, ठीक है, और प्लस का 12 हो गया, ठीक है। काफ़ी बच्चे होते हैं उन्हें ये समझ नहीं आता बीच वाला स्टेप कि हमें कौन सा बीच में लेना चाहिए, तो हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉमन लेना है तो y कॉमन आएगा तो अंदर हो जाएगा y माइनस 4, फिर इसके बाद माइनस 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस है माइनस प्लस माइनस और 5 फोर जा 20, ठीक है। अब यहाँ पर y कॉमन तो हो गया y माइनस 5, फिर इसके बाद माइनस 3 कॉमन तो हो गया y माइनस 5, क्योंकि 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 3, फिर माइनस 4 तो अंदर आ जाएगा y माइनस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, y माइनस 4 कॉमन आ गया y माइनस 5, फिर y माइनस 5 कॉमन और y माइनस 3, फिर यहाँ पर y माइनस 3 कॉमन और y माइनस 4। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, यानी कि अब दोनों ब्रैकेट में देखें तो अब y माइनस 4 भी 2 टाइम्स है, y माइनस 5 भी 2 टाइम्स है और y माइनस 3 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। तीनों ब्रैकेट में हर एक एक डबल है, तो यहाँ पर हम y माइनस 3 को स्क्वायर दे देंगे, डैट मीन्स कि ये डबल हो गया, फिर इसके बाद y माइनस 4 को दे दिया और साथ ही y माइनस 5 को भी दे दिया। अब अगर हम y माइनस 3, y माइनस 4 और y माइनस 5 इन तीनों के पास स्क्वायर है ना, तो साथ ही यहाँ पर इक्वल के साइन भी लगेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसे इस तरह से कर दें y माइनस 3, y माइनस 4 और y माइनस 5 और ऊपर स्क्वायर दे दें तो भी इन सब के पास स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पर से रूट देंगे y माइनस 3, y माइनस 4, y माइनस 5, स्क्वायर ऊपर आ गया, कैंसिल हो गया,
तो आंसर क्या आया, y माइनस थ्री, y माइनस फोर और y माइनस फाइव आंसर। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, इसे भी एक बार इसी तरह से उतारेंगे। x4 प्लस y4 स्क्वायर माइनस y4 माइनस सॉरी x4 माइनस y4 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये a है ये b है, फॉर्मूला लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी में पहले आ जाएगा एक्स फोर प्लस वाई फोर माइनस, अब एक्स बी जो है वो ये है तो एक्स फोर माइनस माइनस प्लस और वाई फोर। ठीक है, इसके बाद ए तो ए है ये एक्स फोर प्लस वाई फोर, फिर बीच में प्लस और बी क्या है एक्स फोर माइनस वाई फोर। अब बाहर प्लस है तो अंदर साइंस चेंज नहीं होंगे, तो एक्स एक्स से कट गया, अब यहाँ पर वाई वाई से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा टू वाई फोर और टू एक्स फोर, तो टू वाई फोर और टू एक्स फोर। ठीक है, तो अगर हम इसे टू टू ज़ा फोर एक्स फोर और वाई फोर हो गया, और इसे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि फैक्टराइज मेथड है, तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को स्क्वायर दे दें तो टू टू ज़ा फोर, और ये भी टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर हो गया। अभी स्क्वायर ख़त्म करना है तो रूट लगा देंगे, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।